इस तरीके से यहाँ पे आटा ऑलरेडी चल रहा है। मौसम देखो, शाम हो गई है और ठंड यहाँ पे बढ़ गई है, तब तक सामान ले रहा हूँ। सो हेलो गाइज, वेलकम टू राहुल रमोला ब्लॉग्स वंस अगेन। सो दोस्तों, आज मैं हूँ चकराता में, तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम चकराता उत्तराखंड। एंड अभी मैं हूँ कोहिनूर होटल में। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था, जिसने नहीं देखा है जाके देखो यार, बहुत सारी सीरीज़ हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को हमारी वीडियोस शेयर कर सकते हैं एंड आप हमारे वीडियोस को रिमिक्स कर सकते हैं विद हैशटैग राहुल रमोला व्लॉग्स। तो आज का मैंने कुछ प्लान किया नहीं है, अभी तो मैं रूम में ही हूँ फिलहाल। मैं आपको दिखाता हूँ, बस तैयार होने के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा लेट है, मॉर्निंग व्यू आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन हाँ आसपास के नज़ारे ज़रूर दिखाऊंगा, जो कि इस समय 9 बजे मॉर्निंग में कैसे आ रहे हैं। बहुत तेज़ धूप लगी हुई है भाई बाहर। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि चकराता का मार्केट, वहाँ का फूड और टाइगर फॉल एक्सप्लोर करूँ, और आसपास और कवर हो सकेगा तो करेंगे। मोयला टॉप यहाँ पे जो बहुत फेमस है, लेकिन वहाँ पे ट्रैक है तो अभी हम जाएंगे नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे सेपरेटली मोयला टॉप डिफरेंट। चलो चलते। सो बाहर के नज़ारे रूम से निकलते ही कुछ ऐसे हैं, आप देख सकते हैं बहुत तेज़ धूप लगी हुई भाई ऊपर। धूप तो बहुत तेज़ है, लेकिन भाई यहाँ पे नज़ारे कुछ ऐसे हैं। ये प्रॉपर्टी नीचे से कुछ ऐसा है, मतलब एकदम घर जैसा फील है गांव में, जो उत्तराखंड में बेसिकली होता है। और सामने है यहाँ का ये व्यू, इधर भी दिखा दूँ तो मैं आपको यहाँ पे, मतलब जो प्रॉपर्टी है कुछ इस तरीके से है। बाकी रूम्स वगैरह के लिए मैं सेपरेट आपको प्रॉपर्टी, रूम्स, टैरिफ सब कुछ मैं आपको बता दूंगा कैसा है। आसपास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे बहुत सारे होटल्स, कॉटेजेस आपको मिल जाएंगे, जैसे ये है, यहाँ पे भी बनेगा इन फ्यूचर। एंड इस साइड से मसूरी रोड भी है। तो बेसिकली मैं एक व्यू आपको दिखाना चाह रहा था, दिखा देता हूँ एक बार। देखो गाइस, सामने से कैसा व्यू आ रहा है होटल के, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ का जो लैंडस्केप है। तब तक मैं चाय वाय या पीता हूँ। तो होटल का मेन एंट्रेंस यहाँ से है, ये मेन रोड पे ही है। धूप बहुत तेज है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ठंड बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन है। और ये लैंडस्केप देख के मतलब मज़ा आ गया, बहुत ही प्यारा लैंडस्केप है यहाँ का, मतलब अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे नीचे से फील नहीं आ रहा था, जब मैं नीचे से ऊपर आ रहा था तब मुझे चकराता वाली, मतलब एक पहाड़ों वाली वाइब नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ आके अब आ गई भाई। तो प्रॉपर्टी का यहाँ पे रेस्टोरेंट है, ये रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे भी आपको बहुत सारी आइटनरीज के बारे में, डिस्टेंस कितनी रहेगी वो आपको मतलब बताई गई है, आप पॉज करके देख सकते हैं। चलो जी गाइस, एक दोस्त और मिल गया यहाँ पे टाइम पास करने के लिए, तो आज जब वापस आएंगे तो इसके साथ टाइम पास करेंगे थोड़ा सा। और चलते हैं अभी हम चकराता मार्केट की ओर। और अभी मतलब मुझे कंफर्म हुआ है कि मतलब 12 या 13 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। तो गाइज, मार्केट से पहले मैंने डिसाइड किया है कि टाइगर फॉल की तरफ हम जाते हैं। तो होटल से टाइगर फॉल की डिस्टेंस थी ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर्स के आसपास, तो वो कवर हो जाएगा जल्दी। एंड ये आसपास के गांव हैं जो कि काफ़ी मतलब सुंदर हैं ऑब्वियसली। तो लोकल्स में यहाँ पे शॉप्स वगैरह अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पे होटल्स हैं, जैसे ये सामने अनुराग होटल करके है। तो गाइज आप देख सकते हैं सामने दिख रही है एक हिमालयन रेंज की पीक, जो कि धूप की वजह से थोड़ा सा ब्लरी है, लेकिन ये इस साइड के पहाड़ हैं और
मैं आपको बता दूं, इसके अलावा आपको जैसे मैं इस साइड के पहाड़ दिखा रहा हूं, तो वहां से मैं आया हूं, हम अभी तक वहां के लैंडस्केप देख रहे थे और अभी हम यहां से होते हुए जाएंगे आगे। नहीं पा रहा हूँ मैं अपने आप को, जहाँ यहाँ पे मतलब मेरे को व्यू पॉइंट दिख रहा है मैं रुक रहा हूँ, ऐसे में टाइम जा रहा है, लेकिन फिर भी लैंडस्केप इतने अच्छे हैं तो निकालने तो पड़ेंगे, दिखाने तो पड़ेंगे। तो देखो यार, सुन तो लिया होगा आपने, गूगल माता बता रही है कि टेक द नेक्स्ट राइट। लास्ट टाइम मैं यहाँ से आया भी था तो अभी मैं हूँ चकराता के मतलब मार्केट एरिया में, बट ये एक्चुअल मार्केट एरिया भी नहीं है, मार्केट एरिया जाके ऊपर है तो काफी अच्छा है। तो गाइज चकराता के लिए हमें जाना है राइट, और यहाँ का नज़ारा मतलब मॉल रोड के जैसे बहुत ही अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे। तो गाइज फाइनली मैं टाइगर फॉल के आसपास पहुंच गया हूं, तो यहां पे आपको कैफेज़ वगैरह मिल जाते हैं, राइडर स्टॉप कैफ़े है यहां पे, तो कुछ इस तरीके से आपको ये कैफ़े एकदम रोड साइड पे ही मिलेगा। अगर आप यहीं आसपास रुकना चाहते हैं तो टाइगर फॉल इको रिजॉर्ट भी यहां पे अवेलेबल है विद ह्यूज पार्किंग एरिया, तो इस पे आप रुक सकते हैं। टाइगर फॉल आना चाह रहे हैं तो ये चार्जेस हैं जो कि आपको टाइगर फॉल पे पार्किंग के या जो टिकट चार्जेस हैं आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, सो दीज आर दी चार्जेस। यहाँ से आप जा सकते हैं पैदल 1 किलोमीटर, और अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो भी यहाँ से आप जा सकते हैं आराम से। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये आटा चक्की आपको दिख रही होंगी, आपको नहीं पता होगा शायद ये आटा चक्की है, जो उत्तराखंड से हैं वो जानते होंगे, हिमाचल से हैं या पहाड़ी हैं तो पहाड़ों में इसी तरीके से आटा चक्कीज होती हैं। पानी को मतलब जैसे ये नीचे आपको छोटा सा पानी स्रोत दिख रहा है, गदेरा बोलते हैं हम इसको, तो उसका पानी कलेक्ट किया जाता है एक नहर के रूप में, डैम में पानी को छोड़ा जाता है वैसे ही यहाँ पे तरीके से छोड़ा जाता है ताकि उससे पत्थर की चक्की घूमे। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो गाइस आया था मैं आटा चक्की को देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है ताला, ये ताला चाबी है लेकिन यार किसी का होगा, खोल नहीं सकते बिना परमिशन। चलो गाइस जुगाड़ मिल गया मुझे, खिड़की खुली हुई थी, आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आटा ऑलरेडी चल रहा है, ऊपर गेहूँ मतलब थोड़ा थोड़ा करके देखो, बहुत सही लग रहा है, तो ये आटा यहाँ पे जाके कलेक्ट हो रहा है। बेसिकली इसमें आटा पीसा जाता है, घर का जो आटा होता है हम गांव में गेहूं कलेक्ट करते हैं एंड कट्टों में भरते हैं और इसके अंदर रात रात को बैठ के पीस सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जैसे नेचुरल पानी का वाटर सोर्स है तो इससे साफ पानी कुछ नहीं है भाई, इस ये बहुत बढ़िया चीज़ है।
तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं चक्राता में, तो यहाँ पे होम स्टेज वगैरह अवेलेबल हैं। तो ये सामने एक अच्छा सा होम स्टे है, आस्था होम स्टे, इसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, अभी मैं हूँ चक्राता के मार्केट में, है सामने है पार्किंग, मेन रोड पे ही है, और इस साइड है चक्राता का मेन मार्केट एरिया। तो गाइज, चक्राता के मार्केट एरिया में आपको कुछ इस तरीके का मतलब शॉप्स आपको मिल जाती हैं। और फूड की बात करूँ तो आगे चलते हैं, कुछ तो है जो मैंने सुना था कि यहाँ पे फेमस तो नहीं पर अच्छा तो बनाता है। लास्ट टाइम मैं आया था तो एक मैंने रेस्टोरेंट देखा था, एक बार मैं वहाँ पे आपको लेके जाना चाहूँगा। सो गाइज, ये है चंद्रनाज द फूड कोर्ट चक्राता। तो ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे, और इनका मतलब जो वैरायटी होता है ना चाइनीज़ में, बहुत ही अमेजिंग होता है, मैं आपको बता दूँ। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फूड यहाँ पे। आपके लिए ये है मेन्यू लिस्ट, आप पॉज करके देख सकते हैं, बहुत ही मतलब एक जेन्युइन रेट पे है, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट नहीं है। तो गाइज, ये एक अनदर रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप आ सकते हैं, हॉट बाइट ग्रिल। तो हॉट बाइट ग्रिल जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आपको चाइनीज आइटम्स अवेलेबल है। सो गाइज, अभी हम आए हैं वहाँ से मार्केट एरिया से, और ये है अपर मार्केट एरिया। और इसके अलावा यहाँ देखो भाई, यहाँ से व्यू भी है, लैंडस्केप भी है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से लैंडस्केप बहुत अच्छे आ रहे थे, लेकिन जस्ट धूप है अभी, तो धूप में आपको नियर बाई के पहाड़ तो दिख जाएंगे, लेकिन दूर के पहाड़ों का व्यू उतना अच्छा नहीं आएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी डिटेल्स दे दें। अगर आप इस साइड नज़र मारें तो रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ के लोकल लोगों का, नीचे हाईवे या मेन रोड्स हैं। अब ये देखो गाइस, सामने का व्यू ये रहा, नीचे है रोड्स, ये सामने का मार्केट, और इधर है अपर मार्केट। तो गाइस, टाइम हो गया है यहाँ से वापस निकलने का। ये मेन पार्किंग एरिया है, और ऊपर साइड जाएंगे तो वहाँ पे है मार्केट। तो पार्किंग एरिया इन्होंने बदल दिया आजकल, अब इसी साइड में रोड पे पार्क करते हैं। बेसिकली ऊपर साइड को कैंट एरिया बना दिया है, नीचे कुछ अलग कैंट एरिया बनाया है। तो अभी चलते हैं भाई सीधे होटल की तरफ। सो गाइज, ये चीज़ आप चक्राता आते हो तो मिस मत करना, वही मिलेगा चक्राता के मार्केट में, चंडास के पास, जहाँ पे मैंने आपको बताया था वो मेन फूड जो मतलब रेस्टोरेंट है। तो रेस्टोरेंट में आपको ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, इसमें आपको जो देखने को मिलेगा वो है नूडल्स एंड राइस एंड वेज। ये कॉम्बिनेशन भी मतलब बहुत टेस्टी है और काफ़ी अच्छा लगता है, फ्राइड राइस जैसे अलग है, और इवन बजट फ्रेंडली भी है, फ्राइड राइस वगैरह से कम बजट में आपको मिल जाता है। तो अभी मैं इसमें हरी चटनी और रेड चिली के साथ आनंद लूंगा इसका, पहले तो इसको टेस्ट करेंगे। अभी शाम को चाय पीने का मजा बहुत आएगा, तो चलो जी थोड़ी देर में चाय पीते हैं चुस्कियां इस ठंड में। सो गाइस, चाय के साथ हम लेंगे सनसेट के मजे, और जब तक मैं ये चाय खत्म करता हूँ आप भी देखो ये सनसेट। तो गाइस, शाम की चुस्की, सनसेट भी हो गया, दोबारा से मैं चाय पीते पीते थोड़ा सा आगे आया हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आगे वहाँ पे गांव है, वहाँ ज़रा विज़िट करें। देखा नीचे आग लगी हुई है, लगी नहीं लगाई गई है, जो खेत में ओनर होंगे शायद उन्होंने लगाई हो। तो तब तक हम अपनी चाय इन्जॉय करते करते तो चाय पीते पीते थोड़ा सा और आगे आ गया हूँ, और सामने रहा गाँव, आप देख सकते हैं। शाम का मौसम है तो थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी नज़र आ रहा है, सो सॉरी फॉर दैट।
उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो गाइज मैं आया था शॉपिंग करने और मैंने देखा एक बिस्किट, इसकी मैंने हमेशा टॉफीज खाई है बचपन में, मैंने यहाँ पे बिस्किट भी देखा है, तो ये एक नई चीज देखने को मिली उत्तराखंड में मेरे को। अब बाहर का मौसम देखो, शाम हो गई है और ठंड यहाँ पे बढ़ गई है, तब तक सामान ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक आग जली हुई है, सारे बैठे हुए हैं अंकल आंटी, और यहाँ पे हर जगह आग जली रहती है, पूरा मतलब गांव है शाम के टाइम पे ठंड में आग जला के एक साथ बैठ के बातचीत करते हैं, तो ऐसा ही लाइफस्टाइल है पहाड़ों का। तो गाइस जैसे मैं आपको बता रहा था, देखो यहाँ पे आग जली हुई है, उधर दो आग वहाँ जली हुई हैं, तो ऑलमोस्ट ऐसे ही रात का माहौल रहता है यहाँ पे, और उधर से तो मैं आ ही रहा हूँ। देखो ये यहाँ पे भी आग जल गई, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर आगे जाके भी सेम माहौल है, आग जली हुई है, देखो ऊपर उधर आग जलते जलते लोग कैसे एक साथ बैठे होते हैं, सब आपस में बातचीत करते हैं, और कुछ इस तरीके का माहौल ही रहता है यहाँ पे। तो ये है उत्तराखंड के चकराता गांव का माहौल, काफ़ी सुंदर, काफ़ी शांत और बहुत ही सुहावना मौसम है। सो गाइस फाइनली हमने बॉनफायर स्टार्ट कर दिए और आसपास अब ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया। इधर की बात करूँ तो हमने टेबल लगा दिया अपना यहाँ पे, अब थोड़ी देर बाद डिनर भी यहीं पे होगा। आसपास थोड़ा सा कुछ इस तरीके का माहौल है, आज भैया ने ये बोर्ड भी तैयार किया है, यहाँ पे लाइटिंग कल भी थी आज भी कर रखी है। सो गाइस बॉनफायर के बाद अब मैंने किया है अपने लिए म्यूजिक सिस्टम का जुगाड़, अब रात को यहाँ पे बॉनफायर भी होगी, तो यहीं पे करेंगे अपनी आज की रात की पार्टी एंड फिर मज़ा लेंगे आज के यहाँ के मौसम का। सो गाइस आप देख सकते हैं सामने हमारा बॉनफायर चल रहा है, ऊपर चांद लगा हुआ है, तो इसके बाद अब डिनर करके फिनिश करते हैं। सो गाइस रात का डिनर हमने चिकन रायता साथ में है ये चांद। सो गाइस फाइनली डिनर हो गया है एंड अभी टाइम आ गया है व्लॉग को एंड करने का, तो आई होप सो आज आपको हमारी जो वीडियोस हैं पसंद आई होंगी, ट्रैवल व्लॉग्स पसंद आए होंगे। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके देखें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए नए व्लॉग्स ऑब्वियसली हम आपके लिए जरूर लाएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बूम।